दरभंगा अवस्थित मदरसा हमीदिया किला घाट के सचिव शिबागतुल्ला खां उर्फ डब्बू खां ने की प्रेस वार्ता और मदरसा के बारे में दी जानकारी। मदरसा किला घाट की उपलब्धियां को गिनाते हुए इन्होंने कहा कि लोगों से हमारा आग्रह है कि कमेटी को चलने में अपना सहयोग दें। प्रेस वार्ता में कमेटी के अध्यक्ष सहित सभी सदस्य उपस्थित थे। सचिव ने कहा कि मदरसा हमीदिया का निरीक्षण मदरसा बोर्ड के चेयरमैन भी कर चुके हैं। दरभंगा दर्शन से मनोज झा। मदरसा हमीदिया की जो कमेटी है 9 फरवरी को मदरसा बोर्ड से अप्रूवल हुई थी। बीच में एक कांड आया था, शराब वाला कांड, तो हम लोगों ने सदर को बदल कर खालिद रज़ा साहब को सदर मुंतखब किया था और उसकी चिट्ठी जो है हम लोगों ने मदरसा बोर्ड को दी और उन्होंने अप्रूवल भी कर लिया। ये 23 मार्च को अप्रूवल हुआ खालिद रज़ा साहब का। लेकिन फिर कुछ लोगों ने मदरसा बोर्ड को दिग्भ्रमित किया, भ्रम में डालकर गलत जानकारी दी, जिसके आलोक में 16/4/2021 को इस कमेटी को स्थगन होने का आदेश प्राप्त हुआ कि आपका स्थगन किया जाता है आपकी कमेटी को अगले आदेश तक जब तक कि जांच पूरी ना हो जाए। पिछले महीने चेयरमैन मदरसा बोर्ड खुद से आए थे और मदरसा का जायज़ा लिया और काफ़ी खुश हुए हमारी कमेटी के काम को देखकर। उन्होंने कहा कि जो सदियों में नहीं हुआ वो महीनों में कर दिखाया है आपकी कमेटी ने, और उसी का सिला मिला अल्हम्दुलिल्लाह। 11/8/2021 को स्थगन का आदेश चेयरमैन मदरसा बोर्ड ने वापस ले लिया और जो सारे अख्तियार हम लोगों के स्थगित थे उस सारे अख्तियार को लागू कर दिया। अब सारी चीज़ें जो मदरसा के अंदरूनी और बाहरी होंगी वो मदरसा का जो अभी की जो प्रबंधन समिति है वो करेगी। वैसे आप लोगों के माध्यम से एक चीज़ उन लोगों को जस्टिफाई कर दूं जो अपने आप को बहुत ही स्कॉलर समझते हैं, इंटेलेक्चुअल समझते हैं, कि मदरसा वक्फ की कमेटी भी बनी हुई है। मदरसा 1252 मदरसा हमीदिया की कमेटी बनी हुई है, उसके भी हम लोग ऑलरेडी, मैं सेक्रेटरी हूँ, खालिद रज़ा साहब सदर हैं, हमारे जावेद अनवर साहब खजांची हैं, ओवैस करीम साहब मेंबर हैं, काजिम खान साहब मेंबर हैं, नेमतुल्ला साहब मेंबर हैं, तो ऑलरेडी ये कमेटी रन कर रही है। और कानून में जाब्ता ये है कि जो वक्फ की कमेटी होगी वही मदरसा की कमेटी होगी, मदरसा बोर्ड उसी को अप्रूवल देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दोनों तरफ से जो है कमेटी का संचालन कर रहे हैं। रुक गई थी, जो सारे कार्य रुक गए थे, अभी मदरसे में गुसलखाना बनाना शुरू किया गया था, उस पर विराम लग गया, किचन बनना था, डाइनिंग हॉल बनना था, सारा कुछ रुक गया, डेवलपमेंट का सारा काम रुक गया इस स्थगन के कारण। तो अब इंशाल्लाह हम लोग जितना जल्दी हो सके मदरसा को और ऊंचाई पर ले जाएंगे। आप भी ताउन करिए और हमारी मदद कीजिए। हम तो उनसे कह रहे हैं कि वो आए, मैं उनका वेलकम करता हूँ, खा वो कोई इंसान हो, अगर मदरसे की भलाई के लिए सोचता है, कुछ करना चाहता है, तो वो आए मेरे पास, मैं उससे ताउन लूँगा। UNFPA जो यूनाइटेड नेशन का एक संगठन है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी दिल्ली, बिहार मदरसा बोर्ड, बिहार माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने मिल करके बिहार के अंदर बिहार का एक मदरसा मॉड्यूल बनाने की तैयारी की है, कोशिश की है, उसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत मदरसे के टीचर्स को किस तरह हम लोग टेक्निकल बनाएं, जो आज अच्छे अच्छे स्कूल के जो टीचर होते हैं, अच्छे कॉलेज के टीचर होते हैं, उस लायक मदरसा बोर्ड के टीचर्स को हम लोग कैसे बनाएं, उसके लिए नोडल मदरसा टीचर्स प्रोग्राम किया जा रहा है।
जिसके तहत जो ट्रेनिंग दी जा रही है टीचर्स को, जिसका सेंटर मदरसा हमीदिया को बनाया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ आज 40 टीचर्स की ट्रेनिंग चल रही है मदरसे के टीचर्स की।